हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे चल रहा है, मम्मी मक्खन निकाल रही है घी के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे। और चांदनी हेल्प कर रही है। मेन मम्मी का हेल्प मेनली चांदनी ही करती है, चंदा उतना नहीं करती है। हाँ, चांदनी ज्यादा करती है। और खाने के लिए मक्खन, हाँ चांदनी खाती भी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। और देख सकते हैं वेदर काफी अच्छा है, और अभी तो 9 ही बज रहा है। और क्या हुआ, क्या हुआ? बाल में नजर लगा दिया। हाँ, और चांदी का बाल भी बहुत लंबा हो गया, देख सकते हैं। ओफो, और वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकल गया। अब तो ठंडी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, तो बहुत ठंडा है। निकला तुम लोग का मक्खन? क्या तुम ज्यादा पानी डाल? अच्छा, मक्खन नहीं निकला गाइस, खराब हो गया। क्योंकि चांद ने इसमें नजर लगा दी। चंदा नजर लगा दी। तो गाइस देख सकते हैं दोनों लगे हुए हैं। करना ये है नहीं, मैं लोल के साथ, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। 3 लोग लगे हुए हैं इसको। अरे क्या कर रही हो, जा फेंका जाएगा। चांदी को बहुत अच्छे से आता है, उसको दो करने के लिए। दोनों कैसे से घटो, रुको दो। ओहो, तो देख सकते हैं मक्खन। इतना मेहनत कर रहे ना, खाने के लिए नहीं लग रहा। अब देखो कौन खा रहा है। तो निकल जाएगा, देन आई विल शो यू। देखते हैं, पता चला पूरा गिर गया। रुको, निकल गया, निकला। इसका हाथ ना ऑयली नहीं ना। सो गाइस, इतना करने के बाद निकल गया हमारा मक्खन। आज चांदी बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। तुम नहीं हो, तुम नहीं खाओगी। देख सकते हैं चांदी मक्खन के पीछे। दो मेरे को भी चांदी। लो ना, तुम अपना में से दो ना। लो बुबू, मेरा ही है। सो ये है हमारा। ओ, ये क्या लगा है? खजूर है। हाँ? ये खजूर क्या वाला क्या? सो गाइस, ये है हमारा ऐसा मक्खन, छोटा सा मिला, चांदी को ज्यादा मिला है, मजा। सो गाइस, यहाँ पे चल रहा है कढ़ी का तैयारी। कढ़ी बनेगा आज, हम लोग खाएंगे वो, क्योंकि बहुत दिन हो गया था इसीलिए। और इसको देख सकते हैं, धोरिए बर्तन। और ये क्या हुआ चांदी? तो और यहाँ पे मक्खन से निकल रहा है घी। अरे पिघल जाएगा ये। मिक्स मत करो, चलाओ नहीं। चलाना नहीं होता है, नहीं। और मैं छान रही हूँ यहाँ पे पकौड़ा कढ़ी के लिए, जो पकौड़ा डलाता है उसमें वो। और थोड़ा कम ही तेल है, क्योंकि फिर तेल बच जाता है तो उसी में कढ़ी भी बन जाता है। नहीं तो ज्यादा तेल बचता है तो फिर साइड में उसको रखना पड़ता है। सो गाइज, हमारा कढ़ी रेडी है, देख सकते हैं। कढ़ी और चावल काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, यू नो। तो मम्मी काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनाती है। और यहाँ पे हमारा घी भी निकल चुका है मक्खन से, देख सकते हैं। ये ओरिजिनल घी है घर का, तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं कभी कभी। दोनों टीवी देखते रहते, रेडी होती है ये आज कोचिंग के लिए। और चांदी तो सबसे ज़्यादा ही, मतलब यू नो, टीवी से कनेक्टेड है, उसको टीवी चाहिए। तो ये दोनों जा रही है फिलहाल कोचिंग। और शाम हो गया, लाइक 4 बज गया, मैं सोई हुई थी। और आज क्या हुआ कि ये दोनों गए थे बैडमिंटन खेलने, तो वो जो ब्लैक वाला डॉगी है ना, वो चांदी को काटने ही वाला था, लेकिन चांदी बच गई, कोई बात नहीं। मैं तो सोई हुई थी इसलिए मैं नहीं देख पाई, बट इट्स ओके। क्या बोल रही है चंदा तुम? चांदी को चोर समझ लिया था वो और उसको काटने लगा। हाँ, चांदी को सोच समझ लिया कि उसका बच्चा को चोरी करके लेके जा रही है। इसीलिए, लेकिन वो बच गई, नहीं तो फिर आज तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। और देख सकते हैं अभी तो हल्का फुल्का धूप है ही। और यहाँ पे मम्मी गेहूँ डाली थी सूखने के लिए, इसको भी मोड़ना है, क्योंकि विंटर्स में कम धूप होता है ना, तो 1 या 2 दिन में नहीं सूख पाता है गेहूँ, तो 1-2 धूप और लगाना पड़ेगा, तब जाके रेडी होगा आटा के लिए। यू नो, बहुत मेहनत होता है ये सब में। तो हो गई है शाम और सबको भूख लगा हुआ है, तो शाम के नाश्ते के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे चूड़ा। ये जो फोरन वाला चूड़ा होता है ना, प्याज और मिर्ची का फोरन, ये मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ।
तो एक बैच तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये देख सकते हैं, और एक और लास्ट बैच है क्योंकि इतना थोड़ा सा मैं नहीं होगा इसलिए दो बार फ्राई करना पड़ता है, तो वही तो फ़िलहाल मैं फ्राई कर रही हूँ। सो हमारा चूड़ा तैयार हो चुका है, मैं और मम्मी खाने जा रहे हैं, और चंदा चांदनी अभी कोचिंग गई हुई है, वो नहीं आई है, अभी आएगी तो फिर वो सब भी खाएगी, उन लोगों को भी भूख लगा होगा। प्याज वाला फ़ौरन डाल के बनाया है, अच्छा नहीं है, तो देख सकते हैं मम्मी को, मस्त खाओ। सो गाइस, चंदा चांदनी आ चुकी है और आज थोड़ा लेट आई है, बट इट्स ओके, आधा घंटा लेट है क्योंकि इन लोगों का टेस्ट चल रहा था इसीलिए। हम तो यहाँ देर आ गए। हाय चांदनी, बहुत देर से वेट कर रहे थे, क्यों क्या हुआ? आज तो एकदम प्लान था, उग्रम वो कुत्ता फिर से तंग किया क्या? सो गाइस, चांदनी के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था इसलिए। सो गाइस, देख सकते आ गई है, अब जाओ, और थोड़ा लेट आई है, आधा एक घंटा लेट क्यों हो गया बहन? कब से इंतजार कर रहे थे तुम लोग के लिए, चूड़ा बना के रखे हैं कि आओगी तो खाओगी। कुछ खा के आई हो क्या? कुछ खा के आई हो क्या? इतना ये टेस्ट, ओह लग तो रहा है तुम्हारा जीव ऐसे ऐसे हो रहा है। तो क्या खाई हो? क्या खाई हो? अरे पंजाबी तड़का खाया। जाओ, चूड़ा रखा हुआ है, खा लो फ्राई करके। चुप। सो यहाँ पे खा रही है, कैसा है चूड़ा? हाँ बताओ ना, बताओ। चांदी का नहीं ना लियो, यू नो ना, चूड़ा इज माय फेवरेट। व्हाई आर यू टेकिंग माय चूड़ा? तुम दोनों का अलग अलग था कटोरी में रखा हुआ, कैसा? दोनों कटोरी का मिक्स करके ले लिया, पागल हो गई। चांदी का अलग रखा हुआ था, हम दोनों मिक्स करके ले। सो देख सकते हैं, इसको खुद खा लेती है, चांदी को खाने नहीं देती है। बताओ ना कैसा बनाया? बहुत अच्छा। तो बता क्यों नहीं रही हो, भाव क्यों खा रही हो? खाओ खाओ। सो गाइज, यहाँ पे मम्मी बना रही है मेथी का पराठा। तो ये है मेथी, उसको अच्छे से साफ कर ली थी, धो ली थी, और इसको प्रेशर कुकर में एक से दो सीटी लगा दी थी। तो ये कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं, काट के आपको, और फिर इसको आपको इस तरीके से मिक्सी में पीस लेना है। तो इतना प्रोसेस मम्मी कर चुकी थी, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है तैयारी खाने का, जिसमें बन रहा है मेथी का पराठा, और मम्मी यहाँ पे सान रही आटा, जिसमें है मेथी, वो जो पिसा हुआ मेथी था वो, प्याज और धनिया का पत्ता और थोड़ा सा नमक और जवाइन मंगरेला, उसी को डाल के, और मिर्ची भी, मिर्ची हरा मिर्च इस तरीके से काट के हम लोग डाल रहे हैं इसमें। और इस तरीके से आपको जैसे क्या बोलते हैं, रोटी बनता है ना आटा लगाते, वैसे आपको लगाना है। और यहाँ पे पक रहा है टमाटर, क्योंकि चटनी बनेगा टमाटर का। हो गया, बंद कर दे। तो ये हमारा टमाटर जो है वो पक चुका है, देखा था। और यहाँ पे मैं लहसुन छिल रही हूँ टमाटर की चटनी के लिए, लाइक सिंपल सा चटनी, बिना प्याज वाला बनाते हैं, क्योंकि पराठा में ऑलरेडी प्याज रहता है ना, तो ये प्लेन वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है आपको चटनी टमाटर का। सो मम्मी इसको अच्छे से छील ली है टमाटर को, देख सकते हैं, और इसमें लहसुन और प्याज, सॉरी लहसुन और मिर्ची, और बस इसको मम्मी ये करेगी, मैश करेगी, और इसमें डालेगी क्या, नमक और मिर्ची, सॉरी नमक और तेल, पता नहीं इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। और हमारा पराठा बन रहा है इधर नॉर्मल, क्योंकि भूख लगा हुआ है इसलिए। हाँ, और यहाँ पे कढ़ाई में बना रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में चूड़ा फ्राई किया था तो था, इसीलिए इसी में बना ले रहे हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा भूख लगता है तो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, और नॉर्मल जैसे पराठा सेकते हैं वैसे ही सेकना होता है, और बस हो जाता है, देख सकते हैं मेरा पराठा बस बनने ही वाला है। सो हमारा पराठा रेडी हो चुका है, और मेरा चटनी भी। सो फिलहाल तो यही है आज का डिनर। चांदनी अभी नहीं खाई क्योंकि पढ़ाई करी है। खाओगी? नहीं नहीं, तुम खाओ, तुम खाओ। क्यों? भूख मतलब चूड़ा खाई हुई इसीलिए। सो आई एम गोइंग टू हैव। तो दोनों खा रही है, कैसा है? चटनी खत्म हो गया? नहीं, अचार अच्छा लग रहा है।
सॉस के साथ खाओगी, इतना हेल्दी चीज है तभी भी मजा आया, मजा आया पराठा खा के, बहुत मजा आया। और क्या देख रही थी फोन में? विवाह मूवी, लेकिन वो बंद कर दी। चुप ना, देखती हो क्या? खोलो तो इसको थोड़ा देख लो। हाँ बंद कर दी बंद कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख सकती हो, देख सकती हो, देख सकती हो, बस खाने ही टाइम, फिर पढ़ाई करना, क्योंकि इन लोगों का बोर्ड भी है इसलिए। तो गाइस, आप आज आप लोग दिखाई दीजिए कि आप लोग को सब्सक्राइब कर दिया था। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इसीलिए, सो दैट्स ऑल गाइस।